हेलो दोस्तों, सिटी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो देखते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऑप्शन में कैसे काम करना है, निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से कॉल में और कौन से स्ट्राइक प्राइस में हमें ट्रेड करना है, ये वीक में हमने क्या किया वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। साथ में अभी जब मंडे से नेक्स्ट वीक हमारा स्टार्ट होगा तो उसमें एग्जैक्टली हमारा क्या प्लानिंग रहेगा वो चीज पूरा डिटेल में हम बात करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना है। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आज जब मार्केट ओपन हुआ था तो थोड़ा सा गैप अप हुआ, उसके बाद मार्केट नीचे आया और ये बहुत अच्छा मौका था हमें ट्रेड लेने का। पर एग्जैक्टली वहां पे ट्रेड लेना है तो कैसे लेना वो चीज हम पहले अंडरस्टैंड करते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। कि पहले तो सपोज दैट जो 22 तारीख था, सपोज दैट आज 23 मार्केट ओपन हुआ तो पहले 21 तारीख को जो मार्केट था 16,550 और 36,100 का जो कॉल था वो 350 में और 550 का 110 118 में हमने खरीदा था, मार्केट ऊपर जा रहा था। और आज जब सुबह मार्केट गैप अप हुआ तो मार्केट में हमने जो कल कॉल कैरी किया था वो कॉल हमने प्रॉफिट बुक करवाया। वहां पे जो निफ्टी का 110 में लिया था वो 210 में बेच दिया और जो 350 में खरीदा था वो 590 600 के नियर अबाउट मिल रहा था, 590 हमने उसको स्क्वायर अप कर दिया, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट गैप अप हुआ तो हमेशा होता है गैप अप होने के बाद या तो मार्केट गैप फिल करने के लिए नीचे आता है या तो ऊपर जाता है, तो वो चीज एनालिसिस करना था। तो बोला कि थोड़ा वेट करो, नया ट्रेड लेंगे। 9:25 को वो चीज गया था, उसके बाद 10:15 के करीब 16,650 का जो कॉल था वो 104 और 118 के नियर अबाउट ये रेंज में मिलता है तो खरीदने के लिए बोला था। और आप देख सकते हो मार्केट में ये 10:15 बजे मैंने ये बोल दिया था, मतलब लगभग ये कैंडल चल रहा था तभी बोला था। और उसके बाद मार्केट और नीचे आया और 109 का रेंज किया, 104 से 118 के बीच में खरीदना था, ये कैंडल में खरीदने को मिल रहा था, यहाँ पे भी मिल रहा था। एग्जैक्टली ये दोनों मतलब आधे घंटे का एक कैंडल है तो एक घंटा मार्केट में ट्रेड लेने को मिल रहा था। 84 रुपीज का टॉप लॉस लगा के रखना था और फिर मार्केट ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक करना था। तो एग्जैक्टली प्रॉफिट कैसे बुक करना वो चीज भी आप देख सकते हो। सपोज 10:11 को बोला था कि ये रेंज में आएंगे तो बाय करेंगे, $28 का सीरीज था, 84 का टॉप लॉस लगाएंगे और 110-160 का पहला टारगेट रहेगा और 190 का सेकंड टारगेट रहेगा जो आज के आज अच्छा हो चुका है और 215 का एक टारगेट हमारा बाकी है। तो जब मार्केट यहाँ से ऊपर गया तो पहले तो देखो आप यहाँ पे 148, उसके बाद थोड़ा ऊपर गया और वो यहाँ पे 160 का टारगेट अच्छा हुआ और उसके बाद 190 एग्जैक्टली मार्केट ने वही हाई किया और मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है। तो ये तरीका रहता है मार्केट में ट्रेड कब लेना है, कौन से प्लानिंग कौन से रेंज में लेना है, वो चीज जो हमारा ट्रेड फाइंडर करके सिस्टम है उसमें हम ये यूज करके वो लेवल निकालते हैं। वो यहाँ पे ये मैंने आपको प्लॉट करके दिखाया कि ऐसे मार्केट में एग्जैक्टली रेंज पता चलेगा। कल के लिए भी मैंने जो 15,500 का जो कॉल लिया था, 550 का जो कॉल लिया था उसमें भी ऐसे ट्रेड लिया था और आज सुबह वहां पे प्रॉफिट बुक किया। और बाद में क्योंकि बहुत लोग उनका मार्जिन कम रहता है, थोड़ा सा 10,000 20,000 15,000 लेके मार्केट में उतरते तो उनके लिए छोटा प्रीमियम लेके मार्केट में काम करते हैं, 110 का लिया हुआ है 190 हो गया तो अच्छा सा प्रॉफिट भी दिखेगा और परसेंटेज रिटर्न भी बहुत अच्छे से दिखता है। तो वो लेवल मार्केट में कैसे काम करना है, कैसे प्रॉफिट बुक करवाना है, पूरा 3 बजे तक वो पूरा प्रोसेस करते हैं। और जब मार्केट क्लोज हो रहा था तो 650 का जो कॉल था उसको हम होल्ड भी करें क्योंकि 215 का टारगेट अभी बाकी है तो वो कर सकते हो। सपोज या तो एक या दो लॉट से ट्रेड कर रहे हैं तो पूरा प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे, मंडे को वापिस नया ट्रेड मिलेगा, कोई जरूरत नहीं कि कैरी करना ही है, रोज नया एक अपॉर्चुनिटी तो मिलता ही मिलता है। और अगर मार्केट 2 दिन 3 दिन वन सेट जाता है तो वहां पे ट्रेड कैसे करना वो चीज भी हमें यहाँ पे समझ में आती है। तो ये प्रोसेस मैंने आपको यहाँ तक दिखा दिया। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब यहाँ पे मार्केट 22 तारीख को क्लोज हो चुका है तो 23-24 को छुट्टी है, 25 को जब सुबह मार्केट ओपन होगा मंडे को तो मंडे के लिए हमारा क्या रेंज है, कौन से स्ट्राइक प्राइस में काम करना है, कहाँ पे ट्रेड लेना है वो एडवांस में आपको अभी बताने वाला हूँ, तो वीडियो अच्छे से देखेंगे। तो पहले निफ्टी के लिए हम प्लानिंग बता रहा हूँ मैं आपको कि निफ्टी का जो रेंज है मार्केट जहाँ पे 16,700 समथिंग को क्लोज हुआ है तो मंडे के लिए 16,700 का जो कॉल रहेगा उसमें हम काम करने वाले। और साथ में अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो 16,700 का पुट, ये 16,700 के कॉल और पुट में मंडे के लिए हमें काम करना है। लेकिन कॉल खरीदना है कि पुट खरीदना है वो कैसे डिसाइड करेंगे, तो सपोज दैट 16,700 का जो कॉल रहेगा वो अगर 112 और 112 और 121 के बीच में अगर मिलता है
तो 16,700 का कॉल को खरीदना है, ये रेंज में खरीदेंगे मार्केट, यहाँ से कम 200 तक आपको मिल जाएगा उसी दिन, और ओवरनाइट करेंगे तो 250 तक टारगेट रहेगा मार्केट में, जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है। वैसे अप ट्रेंड की मैंने बात किया, वैसे अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में अगर मंडे को जाता है तो 16,700 का पुट खरीदने का चांस मिलेगा। अभी लगभग 115 पे मार्केट ने क्लोज किया हुआ है, अगर 16,700 का जो पुट है वो अगर 160 वो 170 के नियर अबाउट मार्केट जाता है, इसको अगर क्रॉस करता है सक्सेसफुली ऊपर जाएगा तो ही इसमें बाइंग मोमेंटम आएगा। तो सस्ता खरीदने की कोशिश मत करो, 130 140 में नहीं खरीदेंगे, 160 170 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो ही 16,700 का पुट खरीदना है। इसका लॉजिक क्या रहता है देखो समझ लो पहले। तो मार्केट में सपोज निफ्टी के लिए मैं बता रहा हूँ क्या है, तो यहाँ पे मार्केट निफ्टी का फ्यूचर का रेंज बता रहा हूँ, ये रेंज में मार्केट अगर खुलता है तो यहाँ पे बाइंग होगा, यहाँ से थोड़ा रेड कैंडल भी बनेगा और वापस ऊपर मार्केट जाएगा, इसलिए हमें कॉल ही खरीदना है। लेकिन अगर मार्केट ये सेलिंग रेंज में चला जाता है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा और उस टाइम पे 16,700 का पुट में आपको बाइंग आएगा, इसलिए अभी 115 चला लेकिन 160 के ऊपर वो प्राइस प्रीमियम जाएगा जब मार्केट में सेलिंग का शॉर्ट सेल का कंफर्मेशन मिलेगा तो उस रेंज में खरीदेंगे और फिर वहां से मार्केट और नीचे आएगा, वीकनेस और बढ़ेगा। तो ये प्लानिंग हमें करना है, निफ्टी के लिए 16,700 का कॉल में काम करेंगे या तो 16,700 के पुट में काम करेंगे। रेंज में आपको मैंने स्पेसिफिक किया हो उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो ही खरीदना है, उससे नीचे नहीं खरीदना है, ये प्रोसेस। और निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर में क्या रेंज है उसका सेपरेट वीडियो भी दिया हुआ है, वो भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा कैसे करना है। वैसे ही बैंक निफ्टी में सपोज दैट बैंक निफ्टी भी 36,007 या तो 800 के नियर अबाउट क्लोज हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी का रेंज क्लोजिंग का फ्यूचर का रेंज दिखा देता हूँ मैं आपको। ओके तो 36,720 का नियर अबाउट क्लोजिंग है, तो हमें क्या करना है कि 36,700 का जो कॉल है जो एट द मनी कॉल है उसको हम खरीदेंगे। कहाँ पे खरीदेंगे? 321 और 361 68 से लेके 321 इसके बीच में खरीदना है, वहां से मार्केट अभी भी ऊपर जाने का पूरा पूरा चांस रहेगा। 36,700 के कॉल को खरीदेंगे जब तक मार्केट अप ट्रेंड में, तो कॉल में खरीदेंगे। और वैसे ही सपोज अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड आता है कोई भी रीजन की वजह से, अगर बैंक निफ्टी में सेलिंग आएगा तो ही 36,700 के पुट को खरीदना है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा? इसीलिए जब 550 और 576 को अगर मार्केट क्रॉस करता है, 36,700 का पुट ये रेंज को क्रॉस अपसाइड कर क्रॉस करेगा तो ही इसमें रियल बाइंग आएगा, तभी हमें इसे खरीदना है। तब तक इसे खरीदने की कोशिश मत करो, जैसे ये नीचे आ रहा है देखो, ये थोड़ा ऊपर जाता है वापस नीचे आता है, ये सिर्फ पुल बैक रहेगा। यहाँ से थोड़ा मार्केट ऊपर भी जाएगा तो वो पुल बैक रहेगा, अगर 550 को ही ऊपर क्रॉस करेगा तो ही 36,700 के पुट को खरीदना है। और इसका रीजन क्या है, तो जो बैंक निफ्टी सपोज दैट अगर 36,680 और 36,736 के बीच में चलता है तो मार्केट में वहां पे बाइंग आएगा और मार्केट 36,938 और 37,000 तक ऊपर जा सकता है। और यही मार्केट अगर बैंक निफ्टी अगर 36,571 और 36,551 इसको अगर डाउन साइड ब्रेक करता है, नीचे ये सेलिंग रेंज में मार्केट अगर आता है तो फिर मार्केट में डाउन ट्रेंड आएगा और तभी हमें 36,700 का पुट खरीदना रहेगा। तो वो चीज हमें दिमाग में रखना है, वैसे मार्केट में हमें काम करना है। तो ये रेंज मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और सेपरेट ऑप्शन का फ्यूचर का रिकॉर्डिंग भी दिया हुआ है, उसको देख सकते हो, या तो जो आपको मैंने स्ट्राइक प्राइस शेयर किया हुआ है वो स्ट्राइक प्राइस का जो रेंज दिया उसके ऊपर मार्केट जाएगा तो खरीदना है। ये मंडे के लिए प्लानिंग रहेगा हमारा। और ऑलरेडी जो हमने आज मार्केट में काम किया वो चीज तो मैंने आपको दिखाई दिया है कि 110 118 के बीच में खरीदा था और 190 के नियर अबाउट हमें वहां पे अपना जो टारगेट था वहां पे एग्जैक्टली मार्केट ने आज प्रॉफिट करने को बुक करने को मिला। और जो पिछला ट्रेड था उसमें भी आज मार्केट ने ओपनिंग में ही गैप अप किया था, तो जो हमने कैरी किया था 16,550 का और 36,100 का जो कॉल था जो 21 तारीख को हमने खरीदा था वो 22 तारीख को उसका प्रॉफिट बुक किया। ऊपर ही मार्केट था लेकिन मार्केट ओपनिंग के बाद थोड़ा पुल बैक करता है 1-1.5 घंटा, तो उसमें जब आप ऑप्शन गैप अप होने के बाद ऑप्शन का प्रीमियम बहुत बढ़ जाता है तो आप वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक करो, और जब मार्केट कुल डाउन हो जाता है तो वापस नया उस टाइम का एट द मनी का कॉल खरीदेंगे तो उसमें ज्यादा रिटर्न आपको मिलता है। तो ये पूरा स्ट्रेटेजी हम यहाँ पे यूज करते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, मतलब नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत अपडेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।